आवाज़ भी भाई बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पर भी भाई ये सूट दिख रहा है आपको, तो सीधा ही है। और यहाँ से भी देखिए, तो हमारे प्यारे मित्रों अभी मैं बाजार आ रखा हूँ, और भाई आज ब्लॉग की शुरुआत में बाजार से कर रहा हूँ। तो भाई सूरज भाई का आपको प्यार भरा नमस्कार। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। भाई बहुत ही दिनों से ये बाल बहुत लंबे हो रखे, और भाई मैं इनको कटवाऊंगा आज, लगभग 2-3 महीने हो गए। और यहाँ पर देखिए दाढ़ी भी आ गई, इसको थोड़ा ट्रिमर टूमर मारेंगे, तो उसके बाद और सामान खरीदारी करेंगे, थोड़ा मैंने सामान तो गाइस आज सूरज भाई अपने हेयर कटिंग कराना आ रखे हैं स्टाइल वाली। आज गाइस 1 लाख कमेंट आने चाहिए इस बार। सूरज भाई फुल फॉर्म में आज यहाँ पे, हमारे पब्लिक ही पब्लिक है, सब सूरज भाई के बाल कटिंग में देखना रखे हैं। तो गाइस क्या बोलना चाहोगे आप? है गाइस, तो यहाँ पे देखिए बैच हमारे लक्की भाई फुल मजे में हो रखे हैं, दो कस्टमर स्किप कर दूंगा। दोस्तों यहाँ देखो कटिंग भी हो चुकी है, और भाई पीछे से भी दिखाता हूँ मैं, ये ऐसे टमर होता मैं डाले कोई एक नहीं होता, ये पहले बहुत अच्छी कटिंग की है। और ये देखो ये हमारा भाई इन्होंने की है कटिंग। तो आप जोशीमठ आएंगे तो यहाँ पर दुकान में आ जाना, ये चौराहे के बगल ही पर है ये देखो, और बहुत अच्छा बाल भी बनाते हैं। तो चलते हैं अभी आगे। तो मेरे दोस्तों अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ भाई, अभी मैंने थोड़ा खाना खाया और अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और भाई मेरा एक पार्सल था जो लगभग 5-6 दिन से यहाँ पर रोड बंद थी, तो उस वजह से अटका था, वो ऑफिस ही में था, फ्लिपकार्ट ऑफिस में था। और अभी मैं लेकर आया, और थोड़ा भाई बाल बोल बनाए मैंने, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा लंबे आ गए थे यहाँ तक। तो आज भाई थोड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का सा महसूस हो रहा है। और मैं अभी दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके इसको, तो देखते हैं। मैंने इसमें भाई बूट प्लेनर मंगा रखा है, जिसको रंदा पटा बोलते हैं, तो मंगा रखा मैंने। और देखते हैं अब इसको क्या होता है, इसमें क्या निकलता है, क्या क्या चीज़ है, अभी तो मैंने नहीं देखा है, अभी देखते हैं। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं, तो भाई एक बेल्ट भी है, ये देखिए छोटी वाली बेल्ट है इसमें, और ये देखिए ये कुछ टूल्स हैं जो उस पर लगेंगे, और इसको हम यहाँ पर रखते हैं। और इसमें भी है गाइस कुछ कागज, और इसमें है स्क्रू स्पीयर, ये देखिए ये नट हैं, इसमें कुछ नट हैं, और हम इसको देखेंगे, इसमें कार्बन भी दे रखा है, और ये कार्बन है इसका एक जोड़ी, और इसको भी लगाएंगे हम देखेंगे। और ये देखिए ये है गाइस ब्लेड, ये देखिए ये वाली ब्लेड है, तो ब्लेड गाइस मुझे भाई ट्रेनर की है, वैसे ओरिजिनल ही लग रही है, ओरिजिनल ही है। इसमें ये देखिए ये उसी पे लगते हैं, तो इसको ये देखिए ये भी गाइस अभी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नया बिल्कुल अभी मैंने नया मंगवाया था, तो मुझे भी भाई इतना पता नहीं है इसके बारे में। तो गाइस ये है रंदा कटर मशीन, तो मेरे ख्याल से ये कलर वाला तो नहीं होना चाहिए, पर देखते हैं अभी मैं स्क्रीन शॉट करके जो मैंने ऊपर रखा था। और तो देखिए इस तरह का है, इसको निकालता हूँ। तो गाइस ये रहा इसका मीटर, ये भाई जैसे हम इसको यहाँ से ये चेक हो जाता है, तो इसको अगर आप कम करना चाहते हैं यहाँ से, ये देखिए ये रहा यहाँ पर है इसका, ये ब्लेड है, ये देखिए ये है ब्लेड, तो ये ऊपर नीचे करने का, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये जैसे हम इसको टाइट करेंगे तो उठ जाएंगे, देखिए इतना उड़ गया है, यहाँ से देखेंगे देखिए तो इतना उड़ गया है, इसको हम अगर लॉक करेंगे तो ये अंदर आएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये देखिए अभी बहुत ही नीचे हो गया। तो इस तरह का ये कुछ मशीन देखिए, और गाइस यहाँ पर इसकी बैड लगती है। तो गाइस मैंने अभी भाई इसमें मशीन पे वो भी लगा दिया है कार्बन, तो कार्बन यहाँ पर लगते हैं इसमें, और एक यहाँ अंदर दिख रहा होगा ये काला, तो यहाँ पर लगता है। तो भाई वो स्टार्ट करके देखूंगा, ये देखिए
देखिए आवाज़ भी भाई बहुत ही ज़्यादा है और भारी भी लगभग 250 से ऊपर ही है। तो भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाली मीटिंग। देखिए यहाँ से भाई जैसे हम वो करेंगे ना, तो यहाँ से इस वाली साइड से यहाँ से वो बुरा आदत फेंकेगा और भाई इतनी भयंकर आवाज़ है। तो भाई वीडियो भाई शेयर कर देना, लाइक शेयर कर देना, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी है ये मशीन और इसमें ब्लेड दो दो मिल रही है, और जो यहाँ पर दिख रहा है ये आपको छेद दिख रहा है ये देखिए, तो इसमें भाई एक रॉड जैसी फंसाई जाती है, तो यहाँ तक जैसे आप उसमें वो कर रहे आधा इंच का या एक इंच का कुछ निकाल लें तो यहाँ पर लगा सकते हैं और साइड से बना सकते हैं। जैसे जो पल्ले के लिए होता आधा इंच का एक इंच का, तो वो वाली साइड बना सकते हैं। और जो ये वाले छेद दिख रहे हैं इसमें, तो लकड़ी बनाते हैं तो जो धार रहती है उसको बैठाने के लिए इसमें फंसाना पड़ता है और आगे ले जाना पड़ता है। तो इसको भाई पूरा खुद अपने हाथ से चीरा है ये देखिए अकेला, और यहाँ पर भी भाई ये सूख रहा है आपको तो सीधा ही है, और यहाँ से भी देखिए ये देखिए यहाँ से भी देखिए सीधा ही है, हल्का सा रखा है तो ये हो जाता है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पर देखिए भाई बिल्कुल ही सीधा आ रहा है, नहीं तो भाई ये पुराने ज़माने का है ये, और इसमें तो भाई टाइम लगता है बहुत ही ज़्यादा। आजकल मशीन आ रही है तो मशीन से भाई मेरे पास नहीं है तो मैं इससे काम चला रहा हूँ और अकेले कर रहा हूँ मैं। वैसे इसको दो आदमी चलाते हैं नीचे से ही ऊपर से, तो मेरे पास भाई अभी यहाँ पर कोई था भी नहीं, और सिर्फ यहाँ से नीचे से देख रहा है और मैं ऊपर से इसको कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।